ये बच्चा हमारे पास 3 महीने की एज पे आया था। इसका हेड काफ़ी साइज़ बड़ा हो रहा था। ये बीमारी बच्चों में सर में पानी भरने की वजह से हो जाती है। तब हम लोगों ने सर्जरी के लिए एडवाइज़ किया था, बट लॉकडाउन की वजह से ये लोग सर्जरी नहीं करा पाए थे। तो 3 महीने के लिए ये लोग चले गए थे और धीरे धीरे बच्चे का सर और बड़ा होता चला। माई नेम इज़ वरुण एंड माई सन, मेरा बेटा अभी 3 महीने जब बोर्न हुआ था तो इसको कुछ ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हुई, जिसको हाइड्रोसाइफलस कहते हैं। फिर मैं इसको लेके जेपी आया, ओपिनियन कुछ लिया। जब ये 2 मंथ्स का था तब हम थोड़े डरे कि ये 2 महीने का बच्चा है, कैसे होगा, कैसे ये सब चीज़ एडजस्ट करेगा। सर्जरी बोली थी कि शंट डलेगा, तो हम थोड़ा डरे। फिर हमने कुछ ओपिनियन स्टार्ट किया कहीं दूसरा लेना, तो फिर हम थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा लॉकडाउन लग गया। अब इसका धीरे धीरे हर महीने पे सर बढ़ने लगा, फिर हम थोड़े और परेशान हुए। फिर दोबारा हम जेपी हॉस्पिटल आए, डॉक्टर दिनेश नथनानी जी से मिले। उन्होंने फिर हमें दोबारा सजेस्ट किया कि आप अगर इसका शंट नहीं डलाएंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और इसका कोई इलाज नहीं है इसका। फिर उन्होंने सर्जरी की है, सर्जरी के बाद काफ़ी रिलैक्समेंट देख रहे हैं हम इसके अंदर। अभी फिर हम लोगों ने इसकी 7 मंथ्स की एज पे शंट सर्जरी करी है, जिसमें ट्यूब डाल के इसको पेट में रास्ता दिया है, जिससे कि सर का पानी कम होना शुरू हो गया है और बच्चे का सर का साइज़ धीरे धीरे कम होएगा। एंड मीनवाइल इसके आई के सिम्टम्स इम्प्रूव हो गए हैं, बच्चे की एक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है सर्जरी के बाद। इसमें एक एंडोस्कोपिक सर्जरी भी होती है एंड डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन एंड एज, हम लोग शंट सर्जरी वर्सेस एंडोस्कोपिक सर्जरी डिसीजन लेते हैं। अभी सर्जरी के बाद बच्चा काफ़ी अच्छा है। जेपी हॉस्पिटल के लिए बहुत थैंक यू कहता हूँ और डॉक्टर दिनेश नथनानी जी के लिए मैं बिग थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने बच्चे के लिए, मेरे लिए बहुत अच्छे लिए, उन्होंने केयरिंग की है मेरे बच्चे के लिए।